फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑफिस किचन। आज का रेसिपी ट्राई कलर समोसा। मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टफिंग बनाने के लिए कढ़ाई में एक चम्मच ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा आधा चम्मच जीरा ऐड कर दिया। जीरा अच्छी तरह से फ्राई कर लूंगी। ग्रीन चिली और जिंजर ऐड कर देती हूँ। और जो मैश करके बॉइल पोटैटो रखा था, हल्का सा मैश करके रखा था, वो ऐड कर दिए। साथ में हरे मटर को भी ऐड कर दिया। मैं ऐड करूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। ग्रीन चिली ऐड किया और आधा चम्मच रेड चिली पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला। इसमें और ज़्यादा कुछ मसाला यूज नहीं होता। और अच्छी तरह से मिक्स करके सारे मसाले को स्टफिंग तैयार कर लेती हूँ। स्टफिंग अच्छी तरह से मिक्स करके हो गया। लास्ट को ऐड करूँगी काजू और किशमिश। ये ऐड करने से जो समोसा बनेगा उसको बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है। ऑप्शनल है, आप लोग को चाहिए तो दीजिए, नहीं तो स्किप कीजिए। बट काजू किशमिश ऐड करने से समोसा का टेस्ट दुगना हो जाता है। तो जो लोग पसंद करते हैं वो लोग ऐड कीजिए, नहीं तो स्किप कीजिए। अभी गैस बंद करके स्टफिंग ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। ट्राई कलर समोसा बनाऊंगी तो इसके लिए पहले आटा गूंथ के रेडी कर लेती हूँ। आधा कप मैदा लिया, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, एक चम्मच ऑयल अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। अच्छी तरह से मिक्स करके हो गया। 1/4 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन ऐड करने से समोसा का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ऑयल अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अभी थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके व्हाइट डो बना लूंगी। अच्छी तरह से मलमल के डो बना लिया। अभी सेट होने के लिए साइड में रख देती हूँ। व्हाइट कलर का जो डो बनाया सेट होने के लिए एक बाउल में निकल के रख दिया। एक बाउल में सेम क्वांटिटी में मैदा लिया, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, एक चम्मच ऑयल, थोड़ा सा 1/4 टीस्पून अजवाइन ऐड कर दिया। पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। ऑरेंज कलर का डो बनाऊंगी तो इसके लिए एक पिंच ऑरेंज फूड कलर मैं ऐड कर दिया। पहले मैदा में अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जाऊंगी और डो बना लूंगी। तो ऑरेंज कलर का डो बन के रेडी हो जाएगा। डो बनाने के टाइम फूड कलर ऐड करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स्ड हो जाता है और अच्छी तरह से मलमल के देख ही सकते हैं। ऑरेंज कलर मलमल के अच्छी तरह से डो बना लिया। बहुत ही प्यारा कलर आया। बाउल में सेट होने के लिए रख देती हूँ। सेम क्वांटिटी में मैदा ले लिया, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, थोड़ा सा अजवाइन, मॉइन के लिए एक चम्मच ऑयल और ऐड करूंगी ग्रीन फूड कलर एक पिंच। और पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। हाथों से अच्छी तरह से मिक्स होता है। सारे चीज एक साथ मिक्स करके फिर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जाऊंगी और एक डो बना लूंगी। देख ही सकते हैं कितना अच्छा ग्रीन कलर आ रहा है और मलमल के ग्रीन डो बना लेती हूँ।
अच्छी तरह से मल-मल के ग्रीन डो बना लिया। तीनों कलर का डो बन के रेडी हो गया, ऑरेंज कलर, व्हाइट कलर और ग्रीन कलर। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। समोसा बनाने के लिए तीनों कलर डो बन के रेडी हो गया और स्टफिंग भी ठंडा हो गया, बाउल में निकल लिया। तो अभी समोसा बना लेती हूँ। रोलिंग पैन और बेलन ले लिया, तो छोटा छोटा पहले गोला बना लेती हूँ। एक बॉल्स लेके पहले बड़ा पूरी का आकार बेल लेती हूँ। इसे बॉल शेप में बेल के रेडी किया। अभी नाइफ से कट लूंगी। अभी एक पार्ट में एक साइड पानी लगा लिया तो अच्छी तरह से स्टिक हो जाएगा। देख ही सकते ऐसे कोन बना लेने का, और जो समोसा का स्टॉपिंग बनाया पहले से उसमें ऐड कर दूंगी। ऐसे पानी का हाथ लगा के अच्छी तरह से सील कर दूंगी। देख ही सकते हैं कितना अच्छा समोसा बन के रेडी हो गया। और एक बार दिखा देती हूँ। ऐसे पहले कोन बना लेने का, कोन के अंदर स्टॉपिंग ऐड कर देने का अच्छी तरह से भर के, उस साइड से ऐसे पानी का हाथ लगा के एक फोल्ड करने का, फोल्ड करके सामने ऐसे पोर्शन में ज्वाइन कर दें। तो दो समोसा बना दिया। ऐसे ग्रीन कलर का और ऑरेंज कलर का भी बना के दिखाती हूँ। ग्रीन कलर का एक पोर्शन ले लिया, पहले ऐसे बेल के रेडी किया और टू पार्ट में डिवाइड करूंगी। ज्यादा थिकनेस रहेगा तो थोड़ा पतला कर लेने का, ज्यादा थिक लग रहा है। अब बीचों बीच काट के रेडी कर लेती हूँ, साथ में पानी भी ऐड कर देती हूँ। कोन बना लिया, भर के स्टॉपिंग ऐड कर देने का, ज्यादा होगा तो थोड़ा कम कर देने का, और जो साइड का पोर्शन है उसमें थोड़ा सा पानी का हाथ लगा के एक फोल्ड करके सामने ऐसे अच्छी तरह से बंद कर देने का। देख ही सकते हैं कितना अच्छा ग्रीन कलर का समोसा बन गया। सेम प्रोसेस में और एक ग्रीन कलर का बना लेती हूँ। दो व्हाइट कलर, दो ग्रीन कलर बन गया। अभी दो ऑरेंज कलर बना लेती हूँ। अभी ऑरेंज कलर का एक पार्ट लेके पहले बेल लेती हूँ। कट कर लेती हूँ, एक पोर्शन लेके ऐसे कोन बना लेती हूँ, अच्छी तरह से भर के ऐसे स्टिक कर देती हूँ। और एक बार दिखा देती हूँ ऐसे कोन बना लेने का, स्टॉपिंग ऐड कर देने का भर के अंदर तक, साइड से पानी ऐड करके ऐसे फोल्ड कर लेने का। देख ही सकते हैं तीनों कलर का कितना अच्छा लग रहा है देखने में। चलते हैं फ्राइंग के लिए। ऑयल गर्म हो गया, जो समोसा बनाया फ्राई होने के लिए रख देती हूँ। अ
अच्छी तरह से एक साइड फ्राई होने के बाद फ्लिप करूँगी मीडियम फ्लेम में, पलट पलट कर अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक समोसा को फ्राई कर लिया। सेम प्रोसेस में सारी समोसा को फ्राई कर लेती हूँ। देख ही सकते हैं कितना अच्छा कलर है। रिपब्लिक डे स्पेशल ट्राई कलर समोसा बनके रेडी हो गया। बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, ऐसे बना के रिपब्लिक डे में एंजॉय कीजिए। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।